हमारे साथ केतन जोशी इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। केतन, जी बिजनेस पर ही हमने खबर चलाई थी कि स्टेंट की कीमतों पर कैपिंग हो, जिस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोहर भी लगाई थी, लेकिन कैसे कुछ बड़े अस्पताल अभी भी स्टेंट पर मनमानी रकम वसूल रहे हैं और आगे अब कार्रवाई क्या हो सकती है? और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी दो दिन पहले ही गुजरात दौरे पर थे और सूरत में उन्होंने ये बात बताई थी कि हमने एक साल दवा बनाती कंपनियों के साथ विचार विमर्श करके प्राइसिंग का एक कैपिंग किया है और उसमें स्टेंट भी शामिल है, लेकिन फिर भी गुजरात की बड़ी बड़ी जानी मानी अस्पताल जो कि कई सारी लिस्टेड कंपनी भी है उसमें, वो लोग बहुत बड़े पैमाने पर स्टेंट के दाम ले रहे थे। सरकार ने कहा है कि 29,600 अतिरिक्त और 7,620 मिनिमम स्टेंट की कीमत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अनाप शनाप तरीके से अहमदाबाद की और गुजरात की कई सारी अस्पताल है वो मरीजों स्टेंट के दाम वसूलते थे। ये बात जब क्रॉस चेकिंग में गुजरात फूड एंड ड्रग्स कंट्रोलर के सामने आई तब उन्होंने बहुत बड़ा कदम लिया, और न केवल इतना लेकिन जो अतिरिक्त पैसा लिया था मरीजों से वो उनको चेक से जरिए वापस दिलाए, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और गुजरात पहला ऐसा राज्य बना है जो कि अस्पताल की मनमानी के सामने सरकार ने अपने कानून का डंडा है वो दिखाया है, तो आखिरकार ये नियम है वो पूरे भारत में लागू होगा। जिस किसी मरीज के साथ अस्पताल है वो स्टेंट के बहाने ज़्यादा पैसे लिया है, अगर 13 फरवरी 2017 के बाद वो एडमिट हुआ है और स्टेंट का पैसा ज़्यादा लिया है, तो ये कानून उस अस्पताल पर भी लागू पड़ेगा और मरीजों को ये पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी पहल है, पूरे देश में इसी तरह से कानून है वो अपना काम करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केतन इस पूरी खबर पर और डिटेल में जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, माल्या के प्रत्यर्पण की पूरी कोशिश की जाएगी। दरअसल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार और जांच एजेंसियां विजय माल्या को भारत वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। माल्या को कल लंदन में गिरफ्तार किया गया था, बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। अब माल्या को 17 मई को वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश होना है। अरुण जेटली ने कहा कि माल्या का प्रत्यर्पण ब्रिटेन में जारी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। विजय माल्या को भारतीय कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। विजय माल्या के ऊपर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है, जिसे चुकाए बगैर वो लंदन भाग गए। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि है, जिसके तहत भारत ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार को अर्जी दे रखी है। Well, I think the government and all the investigative agencies are certainly putting their best effort, because the investigative agencies do believe that an offence has been committed for which a person is required in India. अब आपकी खबर और आपका फायदा। दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव अगर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री मान लेती है तो देश के मोबाइल ग्राहकों को भी कंज्यूमर कोर्ट में अपील करने का हक मिल जाएगा। अभी तक मोबाइल ग्राहकों को कंज्यूमर कोर्ट में अपील करने का हक नहीं है। पूरी रिपोर्ट देखिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में होगा बदलाव। मोबाइल ग्राहकों को अब ज्यादा अधिकार। ई कोर्ट में सुलझाई जाएंगी शिकायतें। 100 करोड़ के मोबाइल यूजर्स वाले भारत में मोबाइल कंपनियों के खिलाफ आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत नहीं कर सकते हैं। आप इस फैक्ट को सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन यही हकीकत है, लिहाजा अब इसे बदलने की तैयारी चल रही है। दूरसंचार विभाग ने कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव करने की सिफारिश की है। अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो टेलीकॉम उपभोक्ता भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकेंगे। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसे जल्द लागू करने की सिफारिश की है। दूरसंचार विभाग ने तो बाकायदा ई कोर्ट का भी प्रस्ताव भेजा है, यानी टेलीकॉम उपभोक्ता ऑनलाइन अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और उन्हें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स BSNL के एक केस में मोबाइल ग्राहकों को कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने पर रोक लगा दी थी। मोबाइल कंज्यूमर ऑपरेटर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए सिविल या क्रिमिनल कोर्ट ही जा सकते हैं। फिलहाल उनके पास कंज्यूमर कोर्ट में अपील करने का हक नहीं है। कोर्ट ने इसके लिए उपभोक्ता की बढ़ती संख्या का हवाला दिया था। उसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर खुद ही नोडल ऑफिसर की तैनाती के जरिए कंज्यूमर की शिकायतें सुलझाते हैं, लेकिन कंज्यूमर चाहकर भी कंज्यूमर कोर्ट की ओर मुंह नहीं कर सकता है। यानी मोबाइल ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा भी जिनके खिलाफ शिकायत होती है वही करते हैं।
इस बीच मोबाइल कंपनियों के खिलाफ शिकायतों का अंबार लगा है। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन मीडिएशन सेंटर भी खोला है, लेकिन बावजूद इसके टेलीकॉम ऑपरेटर्स के खिलाफ शिकायतों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ऐसे में मोबाइल ग्राहकों को कंज्यूमर कोर्ट में भी अपील का हक मिलता है। जाहिर है टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसी जा सकेगी। असीम मनचंदा, जी मीडिया।